अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मानसिक रूप से विकृत अधेड़ की हरकतों व गाली गलौज से तंग आकर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के पुत्री ने तीसरे माले से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह मामला मेरठ थाना ब्रह्मपुरी स्थित ईश्वरपुरी के पास फूल मंडी का है। यहाँ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डालचंद वर्मा का परिवार रहता है। सरदार पटेल इंटर कॉलेज के शिक्षक रहे डालचंद राम सहाय इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी पुत्री पिंकी वर्मा ने बीटेक किया हुआ है। सामने ही मुकेश नामक अधेड़ भी रहता है। आए दिन उसका किसी न किसी से विवाद और गाली गलौज होता रहता है। आरोप है कि वह पिछले कुछ समय से इस परिवार को भी अपने निशाने पर लिए हुए था। कल शाम आवाज़ सुनकर पड़ोसी ने डालचंद वर्मा का दरवाजा खटखटाया और बताया कि उनकी पुत्री ऊपर से नीचे गिर गई है। जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मृतक पिंकी की माता ने यह दी। पूरा मामला ऐसा है कि ये कम से कम 15 दिन से ये हमारे पीछे लगा पड़ा है। मुकेश नाम है इसका, और ये पहले भी जो है बहुत कांड कर चुका है। एक अपने बहनोई को भी इसने मारा, फिर एक के घर में यहाँ आ गए, जाके हमारे मकान से 8-10 मकान पहले आ गए, एक के घर में इसने आग लगाई। आज क्या बात हुई? आज वही तो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये हमें तो टॉर्चर ये कम से कम 15 दिन से कर रहा है, 15-20 दिन से। उस दिन भी जो लड़ तो ये अपने चाचाओं से रहा था, इसके सड़क पर चाचा रहते हैं तो लड़ तो उनसे रहा था अब से कोई कम से कम 1-8-10 दिन पहले। उसके बाद इसने मैं ऊपर से झांकने लगी, मुझे देखते ये गाली बकने लगा, कहाँ ही कहाँ, बेमतलब में कहने लगा। छूटते ही मेरे बेटे की अभी शादी हुई है तो कहने लगा, क्योंकि तेरी बहू भी तुझे रोटी नहीं खिलाने की है कि? तो मैंने कि मेरी बहू से तू क्या ले रहा है, तू अपने घर में देख, अपनी माँ को रोटी खिला, अपनी बीवी को और अपनी बहन को खिला। मैंने क्या, मैं क्या कर रहा है तू, तेरी बहन तूने बर्बाद कर रखी है, अपना बहनों ही मार दिया इसने। तो ऐसे क्या हुआ जो आपकी बेटी छज्जे से गिरी? हाँ, तो वही हुआ ना, फिर इतनी गंदी गंदी इसने यहाँ गाली बकी, बहुत तेज गाली बक रहा वहाँ छज्जे में से। यहाँ मेरी बेटी ऊपर खड़ी थी हमारे साथ में, मेरे पति भी थे, मेरा बेटा भी खड़ा था, मेरा बेटा उसकी वीडियो रील बनाने लगा, यूँ कहा तू बक कितनी गाली बकेगा भाई। इनने धड़ देने से ईंट दे के मारी, उसमें हम बच गए, हम घर में घुस गए एकदम। फिर उसके बाद ये जब तब गाली बकता ही रहता है। हर आपकी बेटी कैसे गिरी? अब बेटी का वही है ना, आज भी है, सुबह से ही अपने जीने में बैठ गया अंडरवियर पहन के। इस सामने इसका जीना पड़ता है, अंडरवियर पहन के बैठा और वहाँ गंदे गंदे इशारे फिर मेरी बेटी को करने लगा। वो कपड़े फैलाने गई थी तो वो सुबह से हमसे यही कह जा रही थी, यूँ कि अड़ोसी पड़ोसी इतनी गाली गुफ्तार करते रहे, तुम बोलते नहीं, इनसे कह रही पापा से अपने से कि तुम बोलते नहीं। ये कहने लगे बदतमीज है, इसके क्या मुँह लगना है, और यूँ कि तुम भी बर्दाश्त करो। क्या कहाँ तक बर्दाश्त करें, इतनी गंदी गंदी गाली देता रहता है, ये बहुत गंदी गाली बकता है, पूछो मत। आपकी बेटी ने क्या किया उसके बाद? कुछ भी नहीं, बस वो बैठी रही नीचे, फिर उठ कर ऊपर चली गई, वो गुस्से में चली गई। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आई, मैंने कि चलो भाई, उस टाइम वो जाती थी ऊपर बैठने हवा में, शाम का काम आम से निपट के, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, बस ऊपर जाके भगवान जाने क्या हुआ। मैं हमारे तो जब पड़ोसियों ने गेट बजाया, जब ऊपर से उतर के आया हमने, तो जब गेट खोला है उसके बाद जो भी हुआ वो आपके सामने है। SPCT अखिलेश नारायण सिंह ने इस मामले में यह जानकारी दी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक करीब 30-32 साल की महिला है, जिसकी छत से गिरकर मृत्यु होने के बाद उसके परिजन उसको लेके सूरजकुंड श्मशान घाट पहुंच गए थे। इसी बीच थाना प्रभारी ब्रह्मपुरी को सूचना मिली कि ऐसे हादसे में एक महिला की मृत्यु हुई है, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है और उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। तत्काल थाना ब्रह्मपुरी की पुलिस मौके पर गई और मृतका के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके पश्चात मृतका के परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके पास में रहने वाले एक करीब 52 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, जिसके कारण एक घटना कारित की गई है। इसमें जब प्राथमिक छानबीन किया गया तो इसमें यह तथ्य भी पाया गया है, आरोपित को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है कि 1 महीने पहले कुछ मकान को निर्माण को लेकर किसी एक पक्ष में ये आरोपित हो गया था, इससे इनका विवाद भी चल रहा था। ये बहुत सारे तथ्य आए हैं जिनके बारे में गहन छानबीन की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर जैसा होगा नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।